हमने पिछले एक साल में पॉलिसी लेवल पे कई कमेटीज बनाई थी, एक्चुअली 31 कमेटीज हमने बनाई थी, जिसमें पार्टी के तमाम विषयों पे पॉलिसीज पे चर्चा हुई थी। वो जो दस्तावेज बना है, जो अभी भी पार्टी का आंतरिक दस्तावेज है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए, और वो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया जाएगा। पार्टी की उम्मीद है कि हम जल्द ही मार्च के महीने में हम ये दस्तावेज पार्टी का मैनिफेस्टो बना के पार्टी की तरफ से रिलीज कर देंगे। यूं तो हरियाणा का चुनाव ड्यू है अक्टूबर में, लेकिन ऐसी काफी खबर आ रही है कि ये चुनाव पहले भी किए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी किए जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ये फैसला हुआ है कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव जो 10 हैं, उन 10 सीटों पे तो लड़ेगी ही, लेकिन अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव एडवांस होते हैं तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब एडवांस होते हैं तब भी लड़ेगी, और सामान्य होते हैं तब तो लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन इस कंटिजेंसी को देखते हुए, क्योंकि इसकी संभावना और आकाश काफी लग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की पूरी 90 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। ये अब लोकसभा का इलेक्शन है, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो अब बढ़ जाएगी। हमने सोचा है, जो पिछले बार हमने जो भी लोगों के पास जाने के ये तरीके दिए थे, लोगों के पास पहुंचे थे, उनसे उन्हें अपने साथ जोड़ा था, उनसे फाइनेंशियल मदद मांगी थी, वही कार्यक्रम अब हम पूरे देश में चलाएंगे। पहले हमारा कंसंट्रेशन दिल्ली में था, अब हमने हर राज्य को कहा है कि अपने यहां कम से कम 4 से 5 लोगों की ऐसी टीम बनाएं जो कि डोनेशन के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दें और लोगों के पास जोड़कर उनसे पार्टी के लिए चंदा मांगें। अभी कितना पैसा जरूरत पड़ेगा ये अभी हम सोच रहे हैं, इसके ऊपर आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी विचारधारा बनेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। ये एक बहुत पुरानी राय है जो अर्थ क्रांति नामक एक संगठन की तरफ से पिछले 5-7 साल से दी जा रही है, लगता है स्वामी रामदेव ने उसे एंडोर्स किया है, वो सुझाव हमारे पास भी आए हैं। उसके एक दो पक्ष उपयोगी लगते हैं, लेकिन वो हमने कई अर्थशास्त्रियों को पकड़ाया है कि वो जो इसकी फाइनेंसिस को बेहतर समझते हैं वो समझ के इस चीज पे राय दें। इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू पे हम वन स्ट्रोक सॉल्यूशन बता दें वो सही बात है। एक सवाल है, आम आदमी पार्टी का संविधान 2 तरह की सदस्यता की बात करता है, एक तो ऑर्डिनरी मेंबरशिप, दूसरी एक्टिव मेंबरशिप। ऑर्डिनरी मेंबरशिप देश में किसी भी व्यक्ति को अपने आप मिल सकती है, उसमें किसी तरह के फिल्टर और किसी चेकिंग का मैकेनिज्म शुरू से ही नहीं था। इस वक्त यहां बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि आप जाएं, लैपटॉप पे क्लिक करें तो आप मेंबर बन सकते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। इस प्रोसेस को हमने कतई नहीं बदला है, और ये जो अभियान है ये सामान्य सदस्य बनाने के बारे में। सामान्य सदस्य पार्टी की केवल जो प्राथमिक इकाई है उसमें, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अलावा सामान्य सदस्य को कोई अधिकार नहीं। पार्टी चलाने का, पार्टी के निर्णय लेने का, पार्टी की बॉडीज में इलेक्ट होने का अधिकार केवल एक्टिव मेंबर्स को है। एक्टिव मेंबर के लिए शर्त है कि वो 4 महीने तक ऑर्डिनरी मेंबर रहे, उसको कमेटी स्क्रीन करे और कमेटी उसको इस काबिल समझे कि वो पार्टी का एक्टिव वॉलंटियर बने। तो एक्टिव द पार्टी वुड कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन अंडर हिज लीडरशिप। एज आई सेड इन द मॉर्निंग, डिक्लेरेशंस अबाउट प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर इन सच लार्ज do presuppose an assessment of where we might end in the coming Lok Sabha. Unless we arrive at some firm understanding on where we expect to land, it may not be correct for us to even discuss things like prime ministership. There are 2 routes through which you become prime minister in this country. One is the route of, you know, your party expects to get 200 plus seats and then you're a natural claimant for prime ministership. The other is that you have 40 seats but you hope to make a deal with 16 others. The second route is not Aam Aadmi Party's route. The first route, as and when we are sure of, we would talk about it. Yahi rakha gaya hai. Ek to rakha to isliye gaya hai ki desh bhar se hume itne sandesh aa rahe hain. Hum
आपके मेंबर बनना चाहते हैं, कहां जाएं, क्या करें, आपकी पार्टी वाले रसीद नहीं, उनकी रसीद लोग फोन कर रहे हैं हमारी रसीद बुक खत्म हो गई, अब हम कैसे करें। तो एक तो इसलिए किया गया है कि जो उभार उफान है उससे हम जुड़ सके। ये तो एक पार्टी के लिए तो सौभाग्य की बात है ना कि लोग उसको कह रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, और अगर लोग गुस्सा आए कि हमारी रसीद क्यों नहीं पहुंच रही, तो पार्टी के रूप में तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम उनसे जुड़ सकें, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उन सबको हम एक फ्रेम में ला सकें उसके लिए। लेकिन जाहिर है इस कैंपेन में जो पता लगेगा कि हम कहां कितने पानी में, वो एक आधार भी बनेगा हमारा सोचने का कि हम कहां कितना आगे जा सकते हैं। अभी एक हम अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है कि हम कहां कितने पानी में हैं, उसमें मदद जरूरी है। बाहर से लीड करेंगे या अंदर से लीड करेंगे, ये पार्टी वक्त से डिसाइड करेगी। अरविंद ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अंदर से करेंगे बाहर से ये पार्टी डिसाइड करेगी, बाद में समय आने पर डिसाइड।